पब्लिक टीवी आपकी आवाज। दीपावली से पहले देश के लाखों किसानों को दीपावली का तोहफा मिल गया है। दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त जारी कर दी गई है। सम्मान निधि की धनराशि भी किसानों को अपने खाते में प्राप्त हो चुकी है, जिसके बाद से देश प्रदेश के किसान खुशी से झूम उठे हैं। कुछ ऐसा ही हाल मुरादाबाद जनपद के 2,40,533 किसानों का है, जो दीपावली से पहले सम्मान निधि की किस्त खाते में पहुंचने से बेहद खुश हैं। किसानों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। किसान कहते हैं कि उनकी तो दीपावली से पहले ही मोदी जी ने दीपावली कर दी। बढ़िया कर रहे हैं मोदी जी, जो काम कर रहे हैं। 2,000 रुपये ये जो ज़मीन वाले भेज रहे हैं खाते में आ चुके हैं। अब जो मोदी जी है, अब जो फसल जो बर्बाद हुई है इसका और ध्यान दें। पहले कहाँ पे है, अब बढ़िया कर रहे हैं मोदी जी। जब से सरकार आई है सब बढ़िया, खूब बढ़िया काम हो गया था। दीपावली से पहले दिवाली हमारी मोदी जी ने कर दी, बहुत बढ़िया। सम्मान निधि के 2,000 रुपये हमारे खाते में आ चुके हैं। जो ये किसान सम्मान निधि है, इसके 2,000 रुपये हमारे खाते में आ चुके हैं। ये दीपावली से पहले हमको बहुत अच्छा लगा। ये लेकर दिवाली हो गई आप लोगों की, हमारी दीपावली हो चुकी है। मोदी जी के लिए कुछ कहना चाहोगे? बस कहना चाहूँगा कि मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारी तो दिवाली से पहले दिवाली हो गई किसानों के लिए, अच्छी बात है। मोदी जी ने पैसे डाला, बहुत बढ़िया बात। आप हमारे खाते में 2,000 रुपये आया आज, बहुत खुश हम तो साहब। खेत पहले से बहुत अच्छे हो रहे हैं। देखिए, आज 17 अक्टूबर 2022 को हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज सभी सम्मानित किसान भाइयों को आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त दी गई है। और जनपद मुरादाबाद में हमारे लगभग 2,40,533 किसानों को, किसान परिवारों को इस योजना का लाभ दिया गया है। और इसमें जो एक चीज़ सम्मान निधि से संबंधित एक चीज़ और मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहूँगी कि इस 12वीं किस्त सम्मान निधि के अलावा जो अन्य किसान हैं, जिन किसानों को सम्मान निधि मिलने में कोई असुविधा हो रही है या फिर कोई समस्या आ रही है, तो इसके लिए हमारे जनपद में प्रत्येक विकास खंडों के राजकीय कृषि बीज गोदामों पर तथा जनपद स्तर पर उप कृषि निदेशक कार्यालय में एक कॉल सेंटर की सुविधा है, जहां पर किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे कृषि विभाग के कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। अतः मेरा आप सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि जिनको सम्मान निधि नहीं मिल पा रही है या किसी कारणवश उसमें समस्या आ रही है, तो वो अपनी समस्या का समाधान अपने संबंधित ब्लॉक के राजकीय कृषि बीज गोदामों पर व जनपद स्तर पर प्राप्त कर सकें।